नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। मेहरानगढ़ में दिवंगत 216 लोगों की स्मृति में हिट इंडिया फिट इंडिया फाउंडेशन ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा 2 मिनट का मौन रख दिवंगतों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। भीनमाल में घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुई। वहीं नवरात्रि को लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी और भक्तों ने माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। भिवाड़ी के गायत्री सुपर बाजार पर हुई फायरिंग मामले में पूर्व सभापति के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता धरने पर बैठे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल या निशान लगाए, जिस पर पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। बाड़मेर में निजी बस चालक और रोडवेज कार्मिक के बीच हुए विवाद के बाद रोडवेज कार्मिक धरने पर बैठ गए और एक भी बस का संचालन नहीं करने दिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बैरोड के जयसिंहपुरा के ढाणी में 11,000 केवी विद्युत लाइन टूटकर मकान पर जा गिरी। गनीमत रही कि विद्युत लाइन के नीचे कोई व्यक्ति या पशु नहीं होने से जनहानि होने से बच गई। बूंदी के जिला अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। 1,000 लीटर पर मिनट के इस ऑक्सीजन प्लांट से अब ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। गंगापुर सिटी में जीप बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत और दूसरा गंभीर घायल हो गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। छबड़ा के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय परिसर में एनटीपीसी के बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ। क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। झुंझुनू में भारतीय किसान यूनियन के युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए हमले के आरोपियों को सजा देने की मांग की, जिसको लेकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कुचामन में लोगों ने पुलिस पर नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को देरी से दर्ज करने का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए और थाने का घेराव कर पुलिस विरोधी के नारे लगाए। बारा के छबड़ा में नगर पालिका द्वारा नव निर्माण करवाए गए चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण हुआ। क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। जोधपुर में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और एक बैठक का आयोजन कर प्रशासन शहरों के संघ और गांवों के संघ अभियान की समीक्षा की। उदयपुर में महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किए गए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की 2 वरिष्ठ नेत्रियां आमने सामने हो गई। इस प्रदर्शन में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे थे, लेकिन ये पूरा हंगामा इन मंत्रियों के निकलने के बाद हुआ। झुंझुनू में कांग्रेस सेवा दल के संगठन विस्तार को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी सदस्य बनाकर संगठन विस्तार का संकल्प दिलाया गया। सागवाड़ा के सूरज गांव में महिला ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, वहीं मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू के नेशल गांव के पास बस और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। दोनों मृतकों के शव को बीड़ी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर एंड चाइल्ड विंग में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मंत्री रघु शर्मा ने प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। डिडवाना में शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। इस मौके पर शहर के काली माता मंदिर अखाड़े में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना यहां के पुजारियों द्वारा की गई। ब्यावर में शक्ति उपासना का त्योहार नवरात्र पूर्व पर्व जो है शुरू हुआ। नवरात्र प्रारंभ होने के मौके पर मंदिरों और घरों पर ही श्रद्धालुओं ने घट स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। सीकर के शीतला चौक में सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हुआ। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने घरों में ही दुर्गा माता की पूजा की। टोंक की निवाई में बस स्टैंड के पास नाली में विकसित भ्रूण के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा और अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। ब्यावर में भारतीय सेना के फौजी के घर में घुसे अज्ञात चोर ने नकदी और सोने चांदी की चोरी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
सीकर के कल्याण अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से बनाया ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया। वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो जाने से मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह का समापन दिवस मनाया। इस दौरान मंडल पदाधिकारियों की ओर से पीएम मोदी के नाम शहरवासियों से पोस्टकार्ड लिखवाए गए। देसुरी के चारभुजा नाल घाट सेक्शन में ब्रेक फेल होने से ट्रेलर चट्टानों से टकराया और दो भागों में बट गया। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया। वहीं सूचना से चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को बीच रास्ते से हटवाया। जोधपुर में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नगर निगम और जेडीए के अधिकारियों की बैठक ली और प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की। झुंझुनू के बिसाओ में हर वर्ष की तरह इस बार भी मां दुर्गा के पंडाल लगाए गए। दुर्गा पूजा महोत्सव के चलते पूरे शहर में धूम देखी गई। भिलवाड़ा की श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में नवरात्रा स्थापना के साथ रामलीला मंचन भी आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यहां पिछले 74 सालों से रामलीला का मंचन आयोजित किया जा रहा है। पावटा के राजकीय स्कूल के ग्राउंड पर युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। ब्यावर के रामद्वारा में नवरात्रा के पावन अवसर पर कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सत्संग सेवा समिति की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ कलश यात्रा निकाली गई। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर फंड से डीआरडीओ द्वारा लगाए गए प्लांट का चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके बाद कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने प्लांट पर पहुंचकर इसे शुरू करवाया। बाड़मेर में प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कुछ मरीजों से बात भी की। जैसलमेर में हाबुर गांव में शहीद केशव सिंह की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी राजकुमार भूमला ने केंद्र सरकार की ओर से जारी शहीद प्रमाण पत्र शहीद केशव सिंह की पत्नी को सौंपा। जोधपुर में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और एक बैठक का आयोजन कर प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की समीक्षा की। बोली में अग्रवाल समाज ने अग्रसेन महाराज की जयंती मनाई। इस अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला से प्रभात फेरी निकालते हुए झंडारोहण किया गया। नसीराबाद में नांदला मार्ग पर एक युवक ने स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, जिस पर परिजनों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। झालावाड़ के अकलेरा में 132 जीएसएस से मिलने वाली बिजली आपूर्ति पर विद्युत विभाग की जारी एलडी मैसेज क्षेत्रों के लिए मुसीबत बन गई है। विभाग के उच्च अधिकारी शहरी लाइन की बिजली काटने के स्थान पर ग्रामीण लाइन की बिजली काट कर चैन से सो रहे हैं। मेड़ता सिटी के जेतारण चौकी में नवरात्रा के प्रथम दिवस पर 6 फुट लंबी माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई। वहीं सड़क पर 21 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा पांडाल सजाया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड में रखने का फैसला सुनाया गया। जयपुर में सरकारी स्कूल के खेल मैदान में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बीडीएम अस्पताल भिजवाया। जयपुर में कोषाधिकारी कोष कार्यालय में कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया, जिस पर कर्मचारियों ने कोषाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माउंट आबू में मां की आराधना के दिन कहे जाने वाली नवरात्रि शुरू हो चुकी है और मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। उदयपुर में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत में दोनों सीटों पर जीत का दावा भी किया है। बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आईजी ने कहा कि इस पहल से खुद का रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। जोधपुर में प्रधानमंत्री केयर फंड से 3 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, जिनका पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर से उद्घाटन किया। बाड़मेर में चल रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को पट्टे वितरण किए और लाभार्थियों को संबोधित भी किया। जोधपुर के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने जोधपुर प्रवास के दौरान राजीव सेवा केंद्र में बैठक ली, प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की समीक्षा की। जयपुर में कोरोना की वजह से सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट बढ़ा है, जिसे देखते हुए सरकारी स्कूलों में प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई है। अब 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स का 15 अक्टूबर तक प्रवेश हो सकेगा।
सिरोही के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया। चिकित्सा मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे और प्लांट के संबंध में जानकारी साझा की। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में घट स्थापना के साथ 9 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। राजस्थान फ्रंटियर आईजी पंकज घूमर ने घट स्थापना की। प्रदेश में होने वाले 2 विधानसभा उपचुनाव में 80 साल के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड संक्रमित वोटर्स घर से ही वोटिंग कर सकेंगे। इसके लिए बीएलओ ने ज्यादातर पात्र वोटर्स से आवेदन भी ले लिए हैं। फुलेरा क्षेत्र में बिरमपुरा की सरकारी स्कूल के हाल बदहाल है। भवन जर्जर होने से हादसे होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ चुका है। फर्श टूटा होने के कारण जमीन में बैठकर भी पढ़ना मुश्किल है। प्रतापगढ़ में पीएनबी के एटीएम को तोड़कर चोरी करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। चोमू थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने हिस्ट्री शीटर संदीप बुगाला हत्याकांड में संयुक्त कार्रवाई की। मामले में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सायला में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का जन्मदिन मनाया गया। भंडारी धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 101 यूनिट रक्तदान किया गया। उदयपुर में नवरात्रा शुरू होने पर शहर के प्रसिद्ध शक्तिपीठों पर भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। धौलपुर के सरमथुरा में रबी की फसली सीजन को देखते हुए सहायक कृषि अधिकारी पिंटू मीणा ने किसानों से बातचीत की और जागरूक करते हुए बताया कि अभी सरसों बुआई का समय चल रहा है। जोधपुर में आगामी त्योहारी सीजन और कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बयाना में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष भिड़ गए। वहीं झगड़े के दौरान लाठी डंडों के साथ तेजाब फेंकने से दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर में अग्रवाल समाज ने महाराज अग्रसेन की जयंती सादगी के साथ मनाई। इसके बाद सामूहिक हवन कार्यक्रम में महिला और पुरुषों ने सामूहिक आहुतियां दी और प्रसाद वितरित किया। आस्था के धाम मेहंदीपुर बालाजी में अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा निकालकर मनाई गई, जहां महिलाएं सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गाते हुए चली। झुंझुनू में खेतड़ी के टीबा बसई में निजी स्कूल शिक्षक ने छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित छात्र का इलाज भगवान दास खेतान अस्पताल में चल रहा है। वीडियो में छात्र से की गई पिटाई के निशान साफ नजर आ रहे हैं। दौसा के ढोलका गांव निवासी एयरफोर्स के जवान जितेंद्र शर्मा की पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। जवान जितेंद्र डलहोजी में तैनात था। तबियत बिगड़ने पर पठानकोट आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था। चित्तौड़गढ़ के बेगू में खेत में अजगर आने से अड़कम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने 650 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त किया। सिरोही में श्री जगदम्बे नवयुवक मंडल के तत्वाधान में सार्वजनिक नवरात्र महोत्सव में घट स्थापना की गई। इससे पहले आचार्य पंडित जीवन ओझा ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। चूरू में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा और सभापति के हाथों से पट्टा हासिल कर लाभार्थी खुश नजर आए। नगर परिषद में 46 लाभार्थियों को पट्टे दिए गए। चूरू में अग्रवाल समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन की जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। आरती करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रसाद वितरण किया गया। बांसवाड़ा शहर में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। 3 अक्टूबर को खमेरा में बाइक कारोबारी को गोली मारी थी। प्रतापगढ़ के धरियावद में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने खेत सिंह मीणा और कांग्रेस ने नगराज मीणा को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस और भाजपा में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा को सौगात दी है। जोशी ने अपने आवास से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आईजी ने कहा कि इस पहल से खुद का रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। डूंगरपुर के सावला थाना पुलिस ने ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वेश बदलकर लोगों को बातों में फंसाया और पैसे डबल करने का झांसा देकर 4,50,000 रुपए की ठगी कर ली।
प्रधानमंत्री केयर फंड से जोधपुर में 3 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, जिनका पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर से उद्घाटन किया। वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य और कोटा के सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने सोरसन क्षेत्र में गोष्ठी की, वन क्षेत्र के मुद्दे पर बड़े जन आंदोलन की तैयारी के संकेत भी दिए। अजमेर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा हो गया, फैक्ट्री में टैंक साफ करने उतरे एक मजदूर और उसे बचाने उतरे एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही एक अन्य श्रमिक भी जब बचाने उतरा तो वो भी बेहोश हो गया, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका उपचार जारी है। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी जोधपुर दौरे पर हैं, इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, इस दौरान बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान महापौर कुंती देवड़ा, विधायक मनीषा पवार, कृष्णाराम विश्नोई और हीरा लाल मेघवाल मौजूद रहे। नवरात्र के पहले दिन सूर्य नगरी जोधपुर में भी माता रानी के दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, जिले की पुलिस लाइन स्थित मां चामुंडा मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन किए गए। मां के आराधना के दिन कहे जाने वाले नवरात्र की शुरुआत पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। जोधपुर में जिला प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं, इस दौरान उन्होंने ओसिया विधानसभा क्षेत्र के बाखरी गांव सहित अन्य गांवों में प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण किया। सवाईमाधोपुर के बोली में अग्रसेन जयंती को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के जिलाध्यक्ष राजेश गोयल सहित कई पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन किया। नागौर की रियाबड़ी में बिरदा माता मंदिर में घट स्थापना की गई, इस मौके पर मंदिर के पुजारी लक्ष्मी नारायण पाराशर ने आरती कर पूजा अर्चना की। अलवर के बैरोड में आंगनबाड़ी कार्मिकों को पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, इस पर आंगनबाड़ी कार्मिकों ने मानदेय जल्द देने की मांग को लेकर ICDS विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री गंगानगर में शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र के मौके पर मंदिरों में दर्शन के लिए विशेष सजावट की गई। नागौर की रियाबड़ी में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत शिविर का आयोजन किया गया, इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। नागौर की रियाबड़ी में आवारा घूम रहे जानवरों से परेशान लोगों ने उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के नलवा गाँव में एक ट्रैक्टर और ऑटो की भिड़ंत हो गई, हादसे में ऑटो सवार 8 लोग घायल हो गए। डूंगरपुर में पेड़ों की अवैध कटाई कर गुजरात ले जा रहे गिरोह पर जिला पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और उनके पास से एक क्रेन, एक ट्रक सहित 2 चालकों को गिरफ्तार किया है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार में एक प्रोफेसर ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फतेहपुर के टीबड़ो के मोहल्ले में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाल वाटिका का लोकार्पण किया गया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CBEO नरेंद्र कुमार शर्मा रहे। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण इलाके काफी पिछड़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र में लक्ष्य के मुकाबले 115% लोगों को पहली वैक्सीन लगाई गई। सीकर के फतेहपुर में अग्रवाल समाज के द्वारा मनाए जा रहे अग्रसेन जयंती समारोह के तहत रंगोली प्रतियोगिता और चाट मेले का आयोजन किया गया। अजमेर में नवरात्रि शुरू होने पर माता के मंदिरों में सुबह से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, कोरोना गाइडलाइन के बीच पूजा अर्चना की गई। कोटा के दादाबाड़ी अमर निवास श्री राम धाम सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से विश्व कल्याण अर्थ प्रारंभ कर महालक्ष्मी यज्ञ जाप शुरू किया गया। बाड़मेर शहर के पहाड़ी पर स्थित गढ़ माता जी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतारें नजर आई। नागौर के लाडनू क्षेत्र के भिंडासरी गांव में नवयुवक मंडल एवं समस्त ग्रामीणों द्वारा भिंडासरी गांव में श्री बालाजी रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का समापन किया गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों का आंदोलन भी जारी है, किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जोधपुर स्थित माँ चामुंडा का मंदिर प्रशासन के निर्देशानुसार संपूर्ण रूप से बंद रहेगा, वहीं दूसरी ओर विश्व विख्यात मंदिरों में दर्शन के लिए खुले रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें, सीकर के फतेहपुर में थानाधिकारी मुकेश कानूनगो और सिपाही रामप्रकाश की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि 2018 में बदमाशों ने मुकेश कानूनगो की हत्या की थी। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।